गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज है 23 दिसंबर और आज है ग्यारह के स्कूल में फंक्शन। तो ग्यारह हो गई है रेडी। ग्यारह अपने आउटफिट दिखाओ सारा, बैक पीछे हो ऐसे नहीं, ऐसे मान के दिखाओ। अब मामा की तरफ देखो, देखो ग्यारह कितनी स्मार्ट लग रही है, क्यूट सी। ग्यारह कैसी लग रही है ये बात आप कमेंट से बताना मत भूलना। अब चलते हैं ग्यारह को स्कूल छोड़ने और उसके बाद जाएंगे हम लोग ग्यारह का फंक्शन देखने। हालांकि मैं रेडी हो चुकी हूँ बट फिर भी शशांक और मम्मी देर से आएंगे, मतलब पेरेंट्स को 10 o'clock बुलाया है तो मैं, और बच्चों को बुलाया 9 o'clock, तो मैं ग्यारह को छोड़ के फिर वापस आएंगे, फिर हम जाएंगे 10 o'clock दोबारा से। फिलहाल हमारा कुछ ऐसा प्लान है कि मैं जा रही हूँ रेडी होके ग्यारह को स्कूल ड्रॉप करने के लिए, और जो मंजू हमारी मेड है वो आ चुकी है, वो घर में काम कर रही है क्योंकि हमें बाद में तो टाइम मिल नहीं पाएगा सफाई वगैरह कराने के लिए, काम करवाने के लिए क्या घर में। तो इसलिए मंजू अभी घर में सफाई कर रही है, काम कर रही है। इतने में मैं ग्यारह को स्कूल ड्रॉप करके आऊँगी, इतने मंजू का काम निमट जाएगा। तो मुझे बाद में ये नहीं रहेगा चिंता कि हाँ घर की सफाई नहीं हुई। तो मैं चलती हूँ ग्यारह को स्कूल ड्रॉप करना, फिर आपसे मिलती हूँ। फंक्शन में भी ग्यारह को तो स्कूल ड्रॉप करके आ गई हूँ और अब मैं आई हूँ घर। घर में ऐसा है कि हमें अभी आधा घंटा है स्कूल जाने के लिए, तो हम लोग मैं सोच रही थी कि शशांक के साथ ही चलेंगे। पहले मैं ऐसा सोच रही थी कि मैं अपनी गाड़ी से ग्यारह को ले जाती हूँ और बाकी सब लोग बाद में आ जाएंगे, पर मैंने वहां देखा कि अभी तो स्कूल में तैयारी चल रही है, तो मैंने सोचा कि मैं वहां फालतू में क्यों इतनी देर बैठू। मैं घर आ गई हूँ और सब लोग अब साथ में चलेंगे शशांक की गाड़ी में, और देखती हूँ कायरा अपने अगर जैकेट वगैरह नहीं पहन रही होगी तो वो पहना लूंगी, मतलब कायरा को रेडी कर लूंगी। मैं तो जैसी हूँ ऐसी ही चलूंगी, मैं रेडी होके ही गई थी। और आपको मेरा लुक कैसा लग रहा है मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना, और स्कूल जाने लायक की लुक है या नहीं ये भी बताना। जी हम निकल चुके हैं ग्यारह के स्कूल के लिए। मैं आई हूँ -1 में अपनी कार के पास क्योंकि उसकी PID मुझे लेनी है, और डुगू सो रहा है मेरी गोद में और शशांक कार लेके आएंगे तो सीधा मुझे -1 से यहीं से पिक करेंगे। तो मैं फटाफट PID लेती हूँ और चलती हूँ फिर ग्यारह के स्कूल फंक्शन में। दीदी के स्कूल जाएंगे। ग्यारह के स्कूल आ चुके हैं, यहाँ शशांक एंट्री कर रहे हैं और यहाँ हो रहा है ग्यारह का फंक्शन। आई थिंक अभी स्टार्ट नहीं हुआ, थैंक गॉड, मुझे लगा था मे बी मैं लेट ना हो जाऊँ। आ जा चलो, अरे कुछ आ ही नहीं रहा जब तक पापा नहीं आएंगे तब तक। तो जी हम ग्यारह के स्कूल पहुंच चुके हैं, हम इस सीट पे बैठ गए हैं और अब वेट करेंगे ग्यारह के परफॉर्मेंस का। थैंक गॉड अभी तक ग्यारह आई नहीं है, उसका परफॉर्मेंस हुआ नहीं है, मतलब अभी स्टार्ट ही नहीं हुआ है फंक्शन। तो थैंक गॉड, मुझे लगा था कि हम लोग उसकी परफॉर्मेंस मिस ना कर दें बट नहीं हुई। परफॉर्मेंस हो चुका है, मैंने शूट भी कर लिया है, आपके साथ शेयर ज़रूर करूंगी। और मैं देखती हूँ कि मे बी वो हम लोग को अलाउ कर दें कि हम बच्चों को लेके जा सकते हैं, कुछ बच्चे जा रहे हैं तो हो सकता है वो लोग ग्यारह को भी भेज दें। तो मैं ट्राई करती हूँ और जाती हूँ ग्यारह के क्लास में और पूछती हूँ कि वो आ सकती है क्लास के बाहर, मतलब हम घर जा सकते हैं उसको लेके या नहीं। उम्मीद तो है मुझे भेज देंगे बच्चों को, तो ग्यारह को क्लास में
मुझे लग तो रहा है कि वो क्यारा को फ्री कर देंगे, क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स ले आए हैं बच्चों को ऑलरेडी, और कायरफ मेरे साथ जा रहा है दीदी को लेने के लिए। वो जब से आया तब से उसकी एक ही जिद है कि मुझे दीदी के पास जाना है। चलो जी, मैं क्यारा की क्लास में पहुंच चुकी हूँ, मैं क्यारा को ले लेती हूँ। जाओ ले आओ दीदी को, जाओ जाओ दीदी को ले आओ। तो बस क्यारा को हमें ले आई हूँ क्लास में से, और हम आए हैं अभी यहाँ रिफ्रेशमेंट के लिए, और उसके बाद हम जाएंगे घर। और क्यारा के क्लास से निकलते ही कायरा ने सबसे पहले उसका स्कूल बैग लिया। तो जी फंक्शन हमारा सारा हो चुका है और हम लोगों ने रिफ्रेशमेंट भी ले लिया है। तो रिफ्रेशमेंट में यहाँ था, अब आपको मेरी आवाज़ नहीं आएगी जी। हमारा फंक्शन हो चुका है, रिफ्रेशमेंट भी हमने ले लिया है, और अब हम जा रहे हैं घर। और यहाँ बहुत अच्छा लगा हम लोग को रिफ्रेशमेंट में, हमें चिप्स। हाँ बेटू क्या चाहिए बताओ मम्मा को। तो रिफ्रेशमेंट में हमें चिप्स मिले हैं, चाय और बिस्किट्स थे, और बस क्यारा को और चिप्स लेने हैं और उसको दिला के हम चलते हैं घर। घर जा रहे हैं और शशांक वहाँ क्यारा के साथ कुछ फोटोज क्लिक कर रहे हैं। आओ टुकू पापा। हम लोग आए लंच के लिए बाहर, क्यारा के स्कूल से आने के बाद हम लोग आए हैं लंच करने बाहर। घर में नहीं गए हैं। एक्चुअली क्या है, मुझे जुकाम नहीं है, मुझे एलर्जी हो गई है। मुझे खुशबू से, परफ्यूम से, जो तेज फ्रेगनेंस वाला होता है उससे मुझे एलर्जी होती है, तो मुझे वही प्रॉब्लम है। तो मुझे लगता है ऐसा दिखने में सामने वाले को कि मुझे जुकाम है, बट मुझे जुकाम नहीं है, बट ऐसा फीलिंग आती है कि मुझे जुकाम है, तो मुझे कोई प्रॉब्लम हो रही है। और हम आए हैं बर्गर किंग में लंच करने के लिए, क्योंकि हमने सोचा कहाँ जाके खाना बनाएं, सब चाहिए हम बाहर लंच करके फिर घर जाएंगे। तो यहाँ बैठी है मम्मी और दोनों बच्चे, और शशांक कर रहे हैं वहाँ पीछे ऑर्डर। अब मैं बैठती हूँ बच्चों और मम्मी के साथ, और अपना लंच इंजॉय करते हैं। गुड मॉर्निंग गाइस, तो आज है 24 दिसंबर, और मैं जा रही हूँ डांस क्लास के लिए। और ये वाला व्लॉग ऐसा ही हो रहा है, 21st को हुआ था स्टार्ट, बट 21st को भी मैंने मॉर्निंग व्लॉग किया था और उसके बाद मैं भूल गई थी। तो 22nd को भी मैंने मॉर्निंग में व्लॉग करा था, फिर मैं भूल गई थी। और 23rd को भी सेम वही हुआ कि मैं मॉर्निंग में व्लॉग किया, हम क्यारा के स्कूल गए थे, वो सारा मैंने व्लॉग किया और फिर मैं करना भूल गई। और आज है 24th, तो मैं आई थिंक मैं इसका नाम भी ये रखना चाहिए कि मेरा मॉर्निंग व्लॉग। तो अब मैं जा रही हूँ क्लास में, और उसके बाद मैं सोच रही हूँ कि मैं इस व्लॉग को एंड कर दूँगी, क्योंकि मैं और कितना लंबा इस व्लॉग को खींचूँगी। तो अच्छा है कि मैं इस व्लॉग को आज ही एंड कर दूँ मॉर्निंग का थोड़ा शूट करके। एक्चुअली आज संडे है और आज का हमारा व्लॉग नहीं था, मतलब सॉरी आज की हमारी क्लास नहीं थी, बट कल क्यारा के स्कूल जाने की वजह से हमारी एक वीडियो शूट नहीं हो पाई है। तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग आज मतलब संडे को मॉर्निंग में मिलेंगे और वीडियो शूट करेंगे, तो इसलिए मैं जा रही हूँ आज क्लास। फिलहाल मैं चलती हूँ, फिर मुझे लेट हो रहा है। तो
तो जी मैं आ गई हूँ घर। मैंने हेयर वगैरह ज़्यादा कुछ किया नहीं, हेयर स्टाइल वगैरह, क्योंकि हम लोगों ने सेंटा की कैप पहनी थी तो वैसे भी हेयर तो उसमें छुप जाते, और मैंने बाल खोल लिए थे ताकि वो थोड़े बहुत शोल्डर पे डले रहे तो ठीक लगेंगे। और अब मैं आई हूँ घर, अब जाऊँगी घर, अब देखती हूँ लंच वंच में क्या बनेगा, और मे भी मैं हो सकता है इस व्लॉग को यही एंड कर दूँ, क्योंकि अभी 2-3 दिन का ये व्लॉग रहा है तो मे भी बहुत लंबा हो गया होगा। अगर ज़्यादा लंबा हो गया होगा तो मैं इस ब्लॉग को यहीं एंड कर दूंगी, और नहीं हुआ होगा तो फिर देखती हूँ फिर क्या शूट करते हैं।